आज 25 मार्च जनूबी पंजाब के लोगों के लिए एक तारीखी दिन है कि आज कौमी असेंबली में जो वादा किया गया था जनूबी पंजाब की आवाम से तहरीक इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने, आज उस वादे को इफा किया गया है। ये मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो आईनी तरमीमी बिल जो आज मैंने असेंबली में जमा करवा दिया है। कल वज़ीर आज़म से मेरी इस बिल के बारे में, जनूबी पंजाब को एक अलहदा सूबा बनाने के बारे में बोल रही, वज़ीर आज़म ने इस बिल को देखा, लॉ मिनिस्ट्री ने, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वज़ीर कानून का, फारूक नसीम साहब का, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा का, मलिका बुखारी साहिबा का और लॉ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने घंटों की मेहनत के बाद इसको ये हतमी शक्ल दी है। और मैंने ये वज़ीर आज़म को कल पेश किया, उन्होंने मुताले के बाद उसको अप्रूव किया और काबीना की मंजूरी के लिए इजाज़त दी। कैबिनेट डिवीजन ने थ्रू सर्कुलेशन इस बिल को काबीना के मेंबरान में सर्कुलेट किया और ये काबीना के मेंबरान ने जो हमारे मंशूर के मुताबिक था उसकी मंजूरी दे दी। आज ये बिल असेंबली में मैंने स्पीकर को पेश कर दिया है, डिप्टी स्पीकर मौजूद थे और मेरी वज़ीर पार्लिमानी उमूर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब से भी बात हो गई है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है और ये जनूबी पंजाब के 3.5-4 करोड़ लोगों के लिए ये खुश आइंद पेशरफ्त है।